इनको कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया पैम्पास ग्रासलैंड साउथ अमेरिका में लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन प्रपोज किया था कैप्लर ने जम्मू एंड कश्मीर में है ये बनिहाल पास आज के सवाल है चेहरा डांस एक इंडियन फोक डांस है ये किस स्टेट से बिलोंग करता है संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स योगा फिलोसफी योगा फिलोसफी के फाउंडर कौन है हु इज दी ऑथर ऑफ द बुक प्रिंसिपा प्रिंसिपा सतमला हिल्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट और यवन प्रिया एंशियंट हिंदू टेक्स्ट में यवन प्रिया का क्या मतलब होता था सो दीज आर सिक्स क्वेश्चन फॉर टूडे आज की वो कैबुलरी है स्टेलमेट स्टेलमेट जैसे फार्मर और गवर्नमेंट इनके बीच में डायलॉग्स में स्टेलमेट आ गया है स्टेलमेट मतलब नीदर साइड इन आर्ग्यूमेंट और कॉन्टेस्ट कैन विन किसी की जीत नहीं है स्टेलमेट है सीजर सीजर मतलब होता है सीज करना टेक फोर्सबल पोजेशन गवर्नमेंट ने कुछ प्रॉपर्टी सीज कर लिया है एक्स्ट्राडिशन जैसे एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती है मतलब एक कंट्री ए है यहाँ का कोई फ्यूजिटिव है ऑफेंडर है वो दूसरे कंट्री बी में गया कंट्री ए और बी के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है तो इस ऑफेंडर को कंट्री बी से कंट्री ए में लाया जा सकता है सरेंडर ऑफ एन अलीज्ड ऑफेंडर ऑफ फ्यूजिटिव टू द स्टेट अंडर ट्रीटी रोबड इन मतलब आपने परसुएट किया है किसी को टू ज्वाइन अ ग्रुप और वर्क कॉन्फिस्केट का मतलब होता है अगेन गवर्नमेंट सीज को कर रही है किसी प्रॉपर्टी को अथॉरिटी कॉन्फेस्केट कर रही है एनिमल्स कॉन्फिस्केट सो दीज आर सम वोबुलरी वर्ड इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो आज हम पढ़ेंगे दीज आर सर्टन हेडलाइन फॉर्म स्टॉक कोविड वैक्सीनेशन आज हम देखते हैं लेक्स लेक्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है और इम्पोर्टेंस क्या है लेक का सेकेंड इज रिपील लॉ परमिटिंग सीजर ऑफ लाइफ स्टॉक सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है सर्टेन फोटोग्राफ्स और ये इंडियन पैंगोलिन फिर से न्यूज में है पैंगोलिन पोचिंग ब्लैक एंड ग्रे आज एफ ए टी एफ को रिवाइज करते हैं मैग्जिम गवर्नर अकोग्नाइजिंग द वैल्यू ऑफ हाउस वर्क ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हाउस वर्क क्वालिटी गिग्स अ सॉल्यूशन टू अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट केरला में बर्ड फ्लू के कुछ ऐसे यहाँ पे केसेस आ रहे हैं जयशंकर साहब का विजिट और यू की सीट काउंटरिंग साइबर बुलिस ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इंडिया का यू अपॉर्चुनिटी और आज एथिक्स हिंदी सेक्शन में हम पढ़ते हैं नोलन समिति नोलन समिति के साथ सिद्धांत क्या है सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स इन नेक्स्ट अबाउट थर्टी फाइव टू फोर्टी मिनट ये फ्रंट पेज है द हिंदू का राउंड ऑफ टॉक्स विद फार्म यूनियंस इन मतलब कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा है कुछ सक्सेस नहीं हो रहा है दोनों साइड यहाँ पे स्टेल मेड पे हैं बिगेस्ट कोविड नाइनटीन वैक्सीनेशन प्रोग्राम सेट टू बिगिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस इन्होंने मेड इन इंडिया शॉर्ट्स बनाए हैं ग्रैंड लीप है ऑफ साइंस नॉट फेथ ये वाइस प्रेसिडेंट साहब ने कहा रिपोर्ट एडवर्स इवेंट्स वंस एवरी फोर्थ कल भारत बायो एंड टेक का भारत बायोटेक के सी का भी एक इंटरव्यू आया था भारत बायोटेक जो कंपनी है ना ये काफ़ी रेप्यूटेटेड कंपनी है और इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा रहा है वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चरिंग में सो अर्ली जजमेंट अगेन पास नहीं करने चाहिए कि रेगुलेटरी अप्रूवल में कुछ लैपसेज हुए हैं या फिर ये वैक्सीनेशन इफेक्टिव है या नहीं है थंब रूल यही होता है बहुत जल्दी ना जजमेंट पास नहीं करना चाहिए जस्ट वेट न्यूज़ अभी डेवलप होने देते हैं सो दिस इज़ द थिंग Then this is Assange extradition to US rejected by UK court. Julian Assange, whistle blower, RTI. RTI में हम देखते हैं ना एक टर्म whistle blower. तो Julian Assange का United States WikiLeaks और कुछ important classified documents थे United States के उसको leak किया. तब से ये as a fugitive हैं, घूम रहे हैं, अलग-अलग embassy में रहे, Ecuador गए, अभी UK में asylum मिला. अब UK में asylum मिला, तो US बोल रहा है इनको extradite करो. एक्स्ट्राडिशन होना चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स में सो so, इस बात पे फिलहाल के लिए यूएस एक्स्ट्राडिशन टू यूएस यूके की कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है इंडिया से भी कुछ फ्यूजिटिव हैं जो यूके में रह रहे हैं अभी सो दिस इज द थिंग मेंटल हेल्थ यहाँ पे इन्होंने रीजन दिया है देन दिस इज रिपील लॉ परमिटिंग सीजर ऑफ लाइफ स्टॉक सुप्रीम कोर्ट बट बिफोर दैट दिस इज फ्रोजन एसेट्स ये क्या है ओल्ड सीट ये शिकारा है शिकारा क्या होता है बोट्स होती है बट बोट्स अच्छा पूरा मकान की तरह होता है और ये डल लेक में काफ़ी देखने को मिलता है सो दीज आर शिकारा ऑन द डल लेक आफ्टर हैवी स्नोफॉल इन श्रीनगर डल लेक बहुत इंपॉर्टेंट है सारी लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्स की डेफिनेशन क्या होती है एन के बुक में हमने पढ़ा कि जो अर्थ है इसको ब्लू प्लानट बोलते, है। बोलते हैं ब्लू प्लानट बोलते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द अर्थ इज दिस वाटर वाटर जो ज़्यादातर वाटर है वो है ओशियंस में और इधर अब कॉन्टिनेंट्स होते हैं कॉन्टिनेंट्स में भी अगर कहीं पर वाटर ऐसे डिपॉजिट है उसके चारों तरफ लैंड है तो दैट कुड बी कॉल्ड अ लेक लेक अब लेक का अलग अलग क्लासिफिकेशन हो सकता है जितनी भी लेक्स होती है ना ये टेम्पररी वाटर बॉडीज़ होती हैं लेक्स बनती है फिर पानी इसमें उथला हो जाता है सेडिमेंटेशन होता है फिर लेक डिसअपियर भी हो जाती है जैसे अराल सी इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ बिग ह्यूज लेक ये भी अभी श्रिंक हो रहा है तो लेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है एनवायरमेंटल रेगुलेशन के लिए भी अब इनको क्लासिफाई कैसे करें प्रिलिम्स में क्वेश्चन आया था कि ये आर्टिफिशियल लेक है या मैन मेड लेक है या फिर टेक्टोनिक लेक है या फिर डिपॉजिट वाली है कोस्टल लेक है वॉट टाइप ऑफ लेक इज़ दैट सो लेक्स का क्लासीफाई कैसे करें हम क्लासीफिकेशन ऑफ लेक तो टेम्पररी लेक परमानेंट लेक फ्रेश फ्रेश वाटर हो सकता है मतलब फ्रेश वाटर है सेलाइन लेक मतलब समुद्र के आसपास है या फिर जैसे सांभर की झील है सांभर झील जो है इससे नमक निकलता है ये सेलाइन लेक है तो ऐसा क्लासिफिकेशन हो सकता है अर्थ के मूवमेंट से लेक होने के लिए कहीं पे ऐसा कुछ डिप्रेशन होना चाहिए जिसमें पानी ऐसे स्टोर हो गया है टेक्टोनिक लेक्स हो सकती है रिफ्ट वैली लेक हो सकती है जैसे लेक विक्टोरिया वगैरह हमने देखा था अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ऐसे बीच में एक रिफ्ट हो गया और उस रिफ्ट में ऐसे पानी बन गया तो लेक टंगानिका विक्टोरिया ये सब सारी रिफ्ट वैली लेक्स हो गई ग्लेशिएशन की लेक हो सकती है हिमालय में मिलता है सर्क टान एन फंडामेंटल्स वेरी गुड बुक एन सी आर बहुत ईजी है और वो सेल्फ एक्सप्लेनड है सारी चीज़ें उसमें आप क्विकली उसको गो थ्रू करो विदाउट डिस्ट्रॉशन दिस वुड रियली हेल्प यू अलॉट सर्क लेक्स है टानस हैं रॉक ऑलोस लेक्स हैं मोराइन होते हैं मोराइन मतलब जब ग्लेशियर्स चलते हैं ना तो ये ऐसे सेडिमेंट्स पीछे ऐसे कुछ छूट जाते हैं और ये टर्मिनल मोराइन लैटिट्यूडिनल मोराइन इस टाइप से बनता है मोराइनिंग डैमिंग ऑफ वैली वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनता है क्रेटर और कैलडेरा नेशनल जोग्राफिक में देखते हैं ना ये ऐसा वॉल्केनो है ऊपर वॉल्केनो जब एंड हो गया तो यहाँ पे पानी आ गया क्रेटर कैलडेरा लेक कास्ट लेक हो सकता है कास्ट लेक विंड डिफ्लेटेड लेक कास्ट लेक मतलब दिस कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह ज़्यादा है वहाँ पे ऐसे कास्ट लेक बन गई विंड डिफ्लेटेड लेक्स हो सकती है जहाँ पे रेगिस्तान टाइप है ऐसे गड्ढा हुआ विंड ने और फिर वहाँ पे ऐसे पानी भर गया डिपोजिशन हो सकता है रिवर मैराइन डैमिंग और मैन मेड लेक तो ये सारे क्लासीफिकेशन है लेक्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से कॉम्यूनिकेशन होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है यूएस की पांच बड़ी लेक्स का नाम आपको पता होना चाहिए बताइए यहाँ पे एक रिवर भी है जो उसको अटलांटिक ओशन से कनेक्ट कर रही है तो जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन डेवलपमेंट हुआ यू यू का वो ज़्यादातर सिटीज़ इधर बनी बिकॉज ऑफ दीज लेक्स वाटर स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक एग्रीकल्चर रिवर फ्लो मॉड्रेशन ऑफ क्लाइमेट सोर्स ऑफ फूड मिनरल टूरिस्ट अट्रैक्शन जैसे कि डल लेक लेक परमानेंट नहीं होती है जियोलॉजिकल टाइम के हिसाब से बनती है और दे फिनिश भी हो जाती है बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट ये प्रोसेस नेचुरली होना चाहिए ह्यूमन इंड्यूस्ड किलिंग नहीं होनी चाहिए लेक्स की अब इसका आई हैव वन दिस वेरी गुड आर्टिकल इसमें यह ट्वेंटी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक है विद फोटोग्राफ इसमें बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है जैसे एवोलियन है ये आर्टिफिशियल है फ्लूवियल है फ्रेश वाटर मीट्योर ऑर्गेनिक लेक इनके एग्जाम्पल्स भी हैं परमानेंट सॉल्ट वाटर सोल्यूशन इसको भी मैं अभी टेलीग्राम में शेयर करता हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्स हैं डिफरेंट ऑफ लेक कास्ट है lakes, caste, तो योर होमवर्क इज रीड दिस आर्टिकल एंड देन प्रिपेयर अ नोट ऑन द लेक्स डिस्कस देयर सिग्निफिकेंस अब इस क्वेश्चन में दो पार्ट है ना ये पहला पार्ट है ये दूसरा पार्ट है प्रश्न के हर पार्ट को एड्रेस करना है इसके बारे में भी लिखिए इसके बारे में भी लिखिए और मेन्स के जो आंसर्स होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं एक ब्रॉडर गाइडलाइन हमको फॉलो करना है उसके बाद यू हैव गॉट योर फ्रीडम यू हैव गॉट योर क्रिएटिविटी ओरिजनैलिटी यूनिकनेस ऐसा कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल नहीं है कि यही एक फाइनल आंसर होगा वेराइटी हो सकती है एंड इस वेराइटी को अपनी ओरिजिनेलिटी को मेनटेन करना है दिस इज द प्राइमरी रीजन मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे फीडबैक नहीं देता हूँ एक ब्रॉड गाइडलाइन फॉलो करिए एक मैंने पी भी शेयर किया है टेलीग्राम में कि क्या गाइडलाइंस फॉलो करना है आंसर्स लिखते वक्त ब्रॉड गाइडलाइंस प्रश्न में जो पूछा है उसको अच्छे से पढ़ना है जो भी हमने सीखा है उसको कलेक्ट करना है प्रश्न में जो पूछा गया है उसके आसपास ही लिखना है ज़्यादा ऐसे वेरी नहीं होना चाहिए और वर्ड लिमिट्स वगैरह ध्यान रखना है फ्लो चार्ट्स डाइग्राम्स ये सारी चीज़ें बनाएंगे तो प्रजेंटेशन अच्छा होगा कॉपी दिखने में भी अच्छी होनी चाहिए सो डू दिस क्वेश्चन ओके झीलों पर एक नोट तैयार करें उनके महत्व पर चर्चा करें रिपील लॉ परमिटिंग सीजर ऑफ लाइफ स्टॉक ये चीज़ है लाइफ स्टॉक का सीजर जो हो जाता है सी लाइव स्टॉक है एनिमल्स है एनिमल्स को अगर हम रखते हैं तो एनिमल क्रूएलिटी नहीं होनी चाहिए बट अगर एनिमल क्रुएलिटी हो रही है तो गवर्नमेंट के पास सेक्शन ट्वेंटी नाइन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट वहाँ पर एक्शन ले सकती है तो कई बार क्या होता है कि एनिमल्स का अगर ट्रीटमेंट अगर प्रॉपर नहीं है थोड़ा सा भी अगर कमियाँ हैं तो मैनी अ टाइम्स देखा गया है गवर्नमेंट उस लाइव स्टॉक को सीज़ कर लेगी जब्त कर लेगी लाइव स्टॉक मतलब कैटल्स गाय भैंस ये सब तो अगर ऐसा हुआ तो जो ऑनर है उसका तो लाइवलीहुड चला जाएगा सो so देअरफोर इसका जो एग्जीक्यूशन है ये बहुत केयरफुली क्राफ्टेड होना चाहिए इट शुड नॉट बी लाइक हरिड नहीं होना चाहिए बिकॉज इट इज़ अबाउट लाइवलीहुड ऑफ समबडी तो गवर्नमेंट और कोर्ट ने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिया है कि मेयर सस्पिशन के बेसिस पे अगर आप क्रूअल ट्रीटमेंट के दफे अगर कोई वाइल्ड लाइफ स्टॉक या फिर कोई कैटल्स हैं उसको सीज कर रहे हो तो इट इज नॉट राइट केवल सस्पिशन पे देर तो there का सर्कुलर है टीचर्स टू चेक वेट ऑफ स्कूल बैग्स ये बस्ते भारी होते जा रहे हैं इसको चेक करना जरूरी है सेंट्रल विस्टा सुप्रीम कोर्ट टू प्रनाउंस जजमेंट टूडे अभी न्यूज आया है ये ओके okay कर दिया है टूज टू वन से दिस इज डन रिपब्लिक डे ट्रैक्टर परेड की बात कर रहे हैं 26 जनवरी पे कंडक्ट करेंगे जे एम आई कंडक्ट एग्जाम्स इन ओपन बुक मोड में यूनिवर्सिटी टू होल्ड मॉक टेस्ट ऑनलाइन भी यहाँ पे करेगा जामिया मिलिया इस्लामिया में तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग ओपन बुक जो एग्जाम्स होते हैं ना इसके बारे में भी एक व्यू पॉइंट होना चाहिए प्रो में और अगेंस्ट में ओपन बुक एग्जामिनेशन बिकॉज आने वाला जो वर्ड है ना कल हमने लिंकड का भी देखा था इट्स नॉट अबाउट रॉट लर्निंग रॉट लर्निंग नहीं रॉट लर्निंग तो गूगल में आप क्लिक करो आप हर डेटा आपको मिल सकता है एक क्लिक पे बट उस डेटा का करना क्या है ये ये लर्निंग right है है ओके ब्रीदर फॉर सिटी सिटी एज रेन अवे राइट विंग विंग लेफ्ट पैरट और ये क्या है माइना पर्ज ऑन अ ड्राई ट्री ट्रंक इन न्यू दिल्ली ऑन मंडे पैरट फैशन बर्ड्स भी हमें पता होना चाहिए वाइल्ड लाइफ भी डेवलप सम इंटरेस्ट यू शुड नो अभी नया जनरेशन ऐसा आ रहा है कि उन्होंने इसको देखा भी नहीं है पहचान भी नहीं पा रहे, नो यू शुड नो एनिमल्स वाइल्ड लाइफ पैरट्स बर्ड्स इनका एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए राइट विंग लेफ्ट विंग डेली टैब्लू फीचर होगा चांदनी चौक वाला टैब्लू ये ओके कर दिया है सेंटर ने अभी 26 जनवरी की परेड पे टू थाउजेंड दिस एंड इसके बाद आगे नॉर्थ ईस्ट में स्कूल्स री ओपन इन बिहार एक्सेलेंट न्यूज स्कूल्स वापस ओपन हो गए ये जो स्कूल्स है ना ऐसे ब्लैक बोर्ड वाली टीचिंग इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है स्टूडेंट्स अटेंड अ स्कूल एट अ स्कूल दैट वॉज ओपन अगेन आफ्टर रिमेनिंग क्लोज फॉर मंथ्स ड्यू टू पैंडमिक पटना की बात है ये अब देखो स्कूल्स में ऐसे बच्चे बैठे पीयर लर्निंग होती है डिसिप्लिन होता है लर्निंग आउटकम्स बेटर होते हैं जब ऐसी रेगुलर क्लासरूम क्लासेस होती हैं तो

पेंगोलिन क्या है ये ऐसा पेंगोलिन है ये जैसे इसकी स्केल्स होती है इंडियन पेंगोलिन जो होता है ये थिक टेल्ड पेंगोलियन है स्केली एंड एंटीटर पेंगोलिन नेटिव है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ऑलमोस्ट हर जगह मिलता है इंडिया में लाइक अदर पेंगोलिन इट हैज़ लार्ज ओवरलैपिंग स्केल्स होती है बॉडी में जो आर्मर की तरह होती है इसको जब थ्रेट लगता है तो ये ऐसे कर्ल हो जाता है जैसे टोटोइज अंदर ऐसे कर्ल हो जाता है ऐसे पेंगोलिन भी ऐसे राउंड हो जाता है कर्ल अ बॉल सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट क्रीडेटर सच एस टाइगर हमने आयू सी एन की लिस्ट भी देखा कंजर्वेशन स्टेटस तो ये आता है एंडेंजर्ड में पैंगोलियन कहाँ पे आता है एंडेंजर्ड में एक्सटिंक्ट थ्रेटन लीस्ट कंसर्न ये आयु सी एन की लिस्ट है तो पेंगोलियन आता है एंडेंजर्ड कैटेगरी में थ्रेटन एंडेंजर्ड ये वर्ड्स मोस्ट ट्रैफिकड एनिमल भी कहा जाता है और इसमें चाइना अगेन नोटोरियस है चाइना में बहुत सारी इनकी सेल्फ क्लेम्ड अनटेस्टेड टेस्टेड मेडिसिन में ऐसा बोला जाता है इसका यूज होता है सो फॉर देट इसकी स्मगलिंग होती है चाइना ने भी अभी बैन किया था वाइल्ड लाइफ मीट पैंगोलिन में अप्रूव ट्रेडिशनल मेडिसिन ये ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में ऐसा सो कॉल्ड इसका यूज होता है बट इसका एक और एंगल भी है सी कोविड नाइन्टीन क्यों हुआ कोविड नाइन्टीन हुआ जूनोटिक डिसीजेस जैसे हम बैट्स एंड ऑल में देखते हैं तो दैट इज वाई इस पर भी एक चीज है एफ भी इसको देखती है कि स्मगलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हो रहा है इससे जूनोटिक डिसीजेस का खतरा बढ़ता है कोविड नाइन्टीन जैसे थ्रेट्स का खतरा बढ़ता है तो दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम इस पोचिंग एंड स्मगलिंग के बिजनेस को कम्प्लीटली कर्ब करें अब एफ एफ की बात किया तो दिस इज द एडिटोरियल नेक्स्ट मीनवाइल न्यू वायरस स्ट्रेन मिला है कोविड नाइन्टीन का थ्रेट अभी ओवर हुआ नहीं है डोंट लेट योर गार्ड्स डाउन बर्ड फ्लू एक नया खतरा बन रहा है कांगड़ा में भी मिला और अभी केरला में भी कुछ एग्जाम्पल्स मिले हैं ब्लैक एंड ग्रे एफ ए टी एफ एफ ए टी एफ ये भी हमारा फेवरेट टॉपिक है हम इसको कॉन्टिन्यूसली देखते रहते हैं लेट लेटेस्ट रिवाइज अभी ये आर्टिकल में आया है कि पाकिस्तान एफ ए टी एफ की मीटिंग जब भी होती है ना पाकिस्तान को अभी रखा गया है ग्रे लिस्ट में अगर वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को कम नहीं करेगा तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में रख दिया जाएगा तो जब भी एफ की मीटिंग होती है ना तो पाकिस्तान बहुत आउटस्मार्ट करने की कोशिश करता है इंटेलिजेंट प्ले करने की कोशिश करता है स्मार्ट और जो लीडर्स हैं इनके टेररिस्ट हैं उनको जेल में डाल देता है दिखाने के लिए कि दे आर टेकिंग एक्शन सो दिस थिंग वी नीड टू चेक पाकिस्तान एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट कीप अप अपियरेंसेज बट ये कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं करते हैं लेटस टॉक अबाउट एफ ए टी एफ एफ ए टी एफ का फुल फॉर्म हमें पता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कोई भी काम करना है इवन जो टेररिज्म है ना ये भी मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस इंडस्ट्री बन गया है तो यहाँ पे अगर टेररिज्म को कम करना है तो यहाँ जो पैसे की सप्लाई है उस पर अटैक करना चाहिए दैट इज वाई ये काम करता है एफ ए टी एफ एफ ए टी एफ फ्रांस नाइनटीन एटी नाइन में आया इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन था जी सेवन का इनिशियटिव था इनिशियल काम था इसका मनी लॉन्ड्रिंग को स्टॉप करना कॉम्बैट करना बट फिर देखा कि टेररिज्म भी एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है प्रोफेशन बन गया है लोगों का तो 2001 में इन्होंने स्टार्ट किया टेररिज्म को भी एफ के अंदर मॉनिटरिंग करना पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है 39 मेंबर कंट्रीज हैं इसमें और ये क्या करते हैं रिव्यू करते हैं पीयर रिव्यू भी होता है टेरर रिलेटेड ट्रांजेक्शन वर्ल्ड वाइड तो एफ की दो लिस्ट होती है ग्रे और ब्लैक वॉच लिस्ट और ब्लैक में बहुत ही स्ट्रिंजन फिर रिस्ट्रेंस लग जाएंगे एट प्रेजेंट ईरान और नॉर्थ कोरिया ही ब्लैक लिस्ट में है पाकिस्तान सीरिया यमन आइसलैंड जमाइका और मॉरिशस ये ग्रे लिस्ट में है पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में रखने की बात होती रहती है तो द पॉइंट इज फॉलो द मनी ट्रेल टेररिज्म कम करना है तो जहां जो इसका पैसा सप्लाई आ रहा है ना उसको कट करो कंट्रीज़ को अकाउंटेबिलिटी लाओ टेक्निकल रिव्यू करो पीयर रिव्यू करो ये कोई एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं है इसकी मीटिंग क्लोज डोर पे होती है इंडिया इसका 2006 से ऑब्जर्वर था मेंबर 2010 में बना कलर कोडिंग यहाँ पे किया गया है ग्रे लिस्ट का हाई रिस्क जोरिस्डिक्शन और ब्लैक लिस्ट है मतलब कॉल फॉर एक्शन की अब तो एक्शन लेना है तो पाकिस्तान फिर अभी न्यूज में है ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट एफ ए टी एफ नेक्स्ट इज मैक्सिमम गवर्नर मैक्सिमम गवर्नर रोल ऑफ गवर्नर क्या होना चाहिए गवर्नर सेंटर का क्या केवल एजेंट है गवर्नर का रोल क्या होना चाहिए स्टेट पॉलिटिक्स में सरकारिया कमीशन पुंछी कमीशन सेंटर और स्टेट के फेडरल रिलेशन इसमें गवर्नर का क्या स्टे है क्या बात कही है दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट अब अगेन न्यूज़ रिपीट होती है फॉर एग्जाम्पल जैसे अगस्त में बहुत ज़्यादा बात चली थी कि चीफ मिनिस्टर वर्सेस गवर्नर की कॉन्टीन्यूसली बैटल हो रही थी अभी आंध्रा में भी हमने देखा चीफ मिनिस्टर वर्सेस हाई कोर्ट की बैटल हो रही है तो हमने सेकेंड ऑफ अगस्त में पढ़ा था दिस गवर्नर के पावर आपने बहुत अच्छे आंसर्स भी लिखे थे गवर्नर की क्या पावर होने वाली चाहिए अब ये फिर से कंटिन्यूड है मैक्सिमम गवर्नर गवर्नर क्या केवल सेंटर का एजेंट है सेंटर और स्टेट इसमें क्या रिलेशन होना चाहिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में जैसे जीएसटी हमने शॉर्टफॉल हुआ था फोर्स मेजर हुआ था तो ट्रस्ट इश्यूज क्यों आ रहे हैं और इसमें गवर्नर क्या रोल प्ले कर सकते हैं अब सी जैसे स्टेट का रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में होता है लोकसभा राज्यसभा ये दोनों मिलके बिल को पास करते हैं और एक्ट बनता है बट टेंडेंसी देखने को मिलती है कि जो लोकसभा होती है वो बिल को बिल को नेम कर देती है मनी बिल मनी बिल का आर्टिकल बताइए स्पीकर का ये एक्सक्लूसिव पावर होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा का अब जैसे ही वो मनी बिल बन गया तो राज्यसभा की पावर कर्टेल हो गई मतलब स्टेट बाईपास हो गए तो ये जो टेंडेंसी है क्या ये हमारे फेडरलिज्म को वीकन करती है फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को स्टेट को भी एक चीज़ देखना चाहिए स्टेट्स में भी ये चीज़ नोटिस किया गया है कि स्टेट्स बहुत नैरो इंटरेस्ट पे सोचते हैं केवल स्टेट का ही इंटरेस्ट देख रहे हैं ओवरऑल कंट्री का इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो दिस थिंग ऑल्सो वी नीड टू चेक तो दिस इज अगेन दोनों जगह ये चीज़ देखना चाहिए सेंटर एंड स्टेट में कि जो हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सेंटर को भी और स्टेट को भी नेशनल इंटरेस्ट कम्स फर्स्ट तो दिस इज मैगजिमम गवर्नर ये सेकेंड एडिटोरियल था थर्ड एडिटोरियल है थर्ड आर्टिकल है दिस इज लीड आर्टिकल आर नो टू रिकग्नाइजिंग द वैल्यू ऑफ हाउस वर्क ऑल दो इसमें कुछ पॉलिटिकल अंडर टोन है पॉलिटिकल पार्टी के स्टेटमेंट्स हैं बट हमें ये चीज़ समझना चाहिए हाउस वर्क वैल्यू ऑफ हाउस वर्क रिकग्नाइजिंग वैल्यू ऑफ हाउस वर्क हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा एन सी आर टी मैक्रो माइक्रो जी डी पी को काउंट करने में देखा ये जो हाउस वर्क होता है डोमेस्टिक वर्क होता है विमेन अगर घर पे बहुत सारा काम कर रही हैं तो क्या ये जीडीपी में कैलकुलेट हो रहा है नो होम मेकर्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करती हैं इसका वर्क क्यों काउंट नहीं हो रहा है जी में द लिविंग ह्यूमन बींग द लेबर हिमसेल्फ एज अ लेबरर हिमसेल्फ इसका भी क्या अगर स्टोरी देखें तो वर्क क्या होता है कॉम्प्लीमेंट होता है वर्क अगर जीडीपी में कुछ कंट्रीब्यूशन हो रहा है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की अगर हिस्ट्री देखें तो अगर मैन इज गोइंग आउट एंड डूइंग सो मच ऑफ थिंग्स तो वो वर्क कर रहा है प्रोडक्टिव वर्क हो रहा है और उससे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो रहा है बट मैन कैसे एबल हुआ बाहर जाके इतना काम करने में वाई बिकॉज डोमेस्टिक वर्क का ख्याल कोई और रख रहा था तो इस डोमेस्टिक वर्क का जो ख्याल रखना है और जिसके कारण ये जो वर्क पॉसिबल हुआ तो इसको भी तो जी में काउंट होना चाहिए दिस इज़ द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द नाइन मंथ पीरियड ऑफ गेस्टेशन इन द वम विमेंस डेली चोस ऑफ कुकिंग क्लीनिंग वॉशिंग आयरनिंग क्लोथ्स प्रिपेयरिंग लंच बॉक्सेस ये बड़ा थैंकलेस जॉब बन गया है रिकोगनीशन भी नहीं मिल रहा है और कुछ आइडेंटिफिकेशन भी नहीं मिल रहा है सो दैट इज़ वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज़ पर ध्यान दें नेगोशिएट करें रिकग्नाइज करें और मोनिटाइज करें वर्क को अदरवाइज सोसाइटी में ऐसा डेवलपमेंट हो गया कि ये तो इनका काम ही है काम है बट दिस इज ऑल्सो जी डी पी वाई नॉट वी आर इट इन जी डी पी दिस इज द आर्ग्यूमेंट रिकोगग्नीशन मिलना जरूरी है वैल्यू ऑफ हाउस वर्क को और ये काम भी कोई आसान काम नहीं है दिस इज अ वेरी ह्यूज टास्क सो दैट इज वाई रिकोगनीशन इज इंपॉर्टेंट और मोनिटाइज भी होना चाहिए ये वर्क ये आर्ग्यूमेंट है इस आर्टिकल में देन नेक्स्ट इज क्वालिटी गिग्स अ सोल्यूशन टू अर्बन एम्प्लॉयमेंट रूरल एम्प्लॉयमेंट हम कॉन्टीन्यूसली बात करते हैं एम जी नरेगा तो हमको रटी गया है एम जी नरेगा रिलेटेड पॉइंट्स अब ऐसा ही अर्बन एम्प्लॉयमेंट को क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ऑल्सो वन थिंग माइग्रेशन क्राइसिस देखा हमने कोविड नाइन्टीन में उसमें क्या हुआ था लॉर्ड्स एंड लॉड्स ऑफ माइग्रेंट्स को वापस फोर्स किया गया अपने वापस रूरल होमलैंड में जाने के लिए जॉब लॉसेज हुआ तो वाई देर इज नॉट एनी सेफ्टी नेट गिग इकॉनॉमी क्या होती है गिग इकोनॉमी टेम्पररी इकोनॉमी होती है जैसे स्विगी में जो डिलीवरी बॉय हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट में ये सब क्या है ये गिग इकोनॉमी है गिग इकोनॉमी में आईटी प्रोफेशनल्स भी आ सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट गिग इकोनॉमी का मतलब कोई काम आया टेम्प्ररी कॉन्ट्रैक्ट बेस में आपने उसको काम दिया और फिर देन इट्स ओवर तो इट इज़ नॉट अ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट अगर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो कंपनी को जो लेबर लॉज हैं वो भी फॉलो नहीं करने पड़ेंगे बहुत सारे प्रोविडेंट फंड एंड ऑलसो चीज़ें होती है सेफ्टी नेट्स वो नहीं करना पड़ेगा फायर करने से पहले अगर एक विंडो देना पड़ता है कुछ मंथ की सैलरी देना पड़ता है वो चीज़ यहाँ पे लॉज नहीं लगेंगे तो इससे तो वर्कर्स क्या हैं ये नुकसान में हुए बट गिग इकॉनॉमी के फ़ायदे भी होते हैं बिकॉज जो गिग इकोनॉमी में काम कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम भी मिलती है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क आवर्स होती है सो देर आर प्रोज एंड कॉन्स वी आर नॉट अगेंस्ट गिग इकॉनॉमी वी आर इन फेवर ऑफ रेगुलराइजिंग इट यहाँ पे प्रॉपर सेफ्टी नेट्स होने चाहिए लॉज होना चाहिए और एक स्ट्रीम होनी चाहिए ये पूरी इकॉनॉमी सेफ्टी नेट्स आर इंपॉर्टेंट वरना माइग्रेंट वर्कर जैसे क्राइसिस आते रहते हैं अभी हमने विस्ट्रॉन का केस देखा स्विगी जोमेटो में भी आप देखना अक्सर यहाँ पे वॉइस रेज होती है कि टाइमली पेमेंट नहीं हुआ बहुत ज़्यादा काम हो रहा है एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है दीज थिंग्स हायर एंड फायर चीज करता है ये तो पांच मैट्रिक्स जैसा कोई एक हमें मॉनिटरिंग होना चाहिए कि यहाँ पे क्या प्रॉपर पैसे मिल रहे हैं कंपनीज़ क्या करती है थोड़े से पैसे देती है आपसे बहुत सारा काम करा लेती है कंपनी को तो फायदा हो रहा है फिर कंपनी आपसे बेटर एम्प्लॉय ले लेगी और आपको फायर कर देगी उसको भी थोड़े पैसे देगी ये कंपनी बड़ी होती जाएगी और आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा फेयर पे फेयर कंडीशन फेयर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए मैनेजमेंट एंड रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ये मैट्रिक्स हैं जिसके बेसिस पे हम इस इकोनॉमी को देखें साइड हसल वर्सेस प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट अब कुछ लोग गिग इकोनॉमी में टेम्प्री फ्री लांस कोडर हैं वो कुछ टाइम के लिए काम करते हैं साइड एम्प्लॉयमेंट है बट कुछ लोगों का तो वो प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट है उनका पूरा घर ही से एम्प्लॉयमेंट पे चल रहा है दैट इज़ वाई सेफ्टी नेट्स आर इम्पोर्टेंट इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट भी नहीं करना चाहिए गिग इकोनॉमी के भी बहुत सारे वेरिएशन हैं तो ऐसा नहीं है कि वन साइज फिट्स ऑल सब जगह लगेगा अगर हम ऐसा कोशिश करेंगे तो वो बैकफायर होगा द पॉइंट इज कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस जैसे स्विगी एंड ऑल ने पी एम स्वानिधि पी एम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम के साथ कोलेबोरेट किया मिल के काम करें और रेगुलेशंस लाएं वहाँ पे प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फेयर वे में काम करे डिस्कलोजर नॉर्म्स होने चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सिम बायोटिक टाइज आर इम्पॉर्टेंट फ्यूचर ऑफ वर्क है ये बहुत तेजी से बदल रहा है सो दीज आर सर्टन आर्ग्यूमेंट्स अब सी द रीज़न आई एम नॉट टेलिंग दिस इज दज़ इन जी एस वन और जी एस टू और जी एस थ्री और जी एस फोर और एस ए दिस इज़ अप टू यू यू नो दिस टैम्पलेट अगर जी एस वन में अगर कोई सोशोलॉजी जैसा चीज़ आया यूज़ दिस टैम्पलेट अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ें आएगी जी एस टू में गवर्नेस जैसा चीज़ आया अगेन यू हैव फ्रीडम जी एस थ्री में अगर कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक्स रिलेटेड चीज़ें आई यू हैव दिस एथिक्स टॉप हर जगह यूज़ कर सकते हो और ऐसे में इनका अमेल्गमेशन होता है तो अगर हम इसको लेबल कर देंगे ना तो फिर हम अपना ब्रॉड जो यूज हो सकता है उसको लूज करेंगे दैट इज वाई कीप इट कीप दिस न्यूज टैम्पलेट एज इट इज़ और जहां मौका मिले यूज इट अकॉर्डिंगली क्वालिटी गिग्ज अ सोल्यूशन टू अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट एंड सिलेबस आपको टिप्स पे याद होना चाहिए वी हैव मेड अ सिलेबस वीडियो सो so आप उस वीडियो को देखो सिलेबस आपको तुरंत रटा होना चाहिए ताकि आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लो इसको मैं कहाँ कहाँ यूज कर सकता हूँ दिस इज अ बेटर स्ट्रेटेजी नाउ हिस्टी अप्रूवल नो ट्रांसपेरेंसी कोविड नाइन्टीन वैक्सीनेशन में ट्रांसपेरेंसी केयर इज़ स्टैंडर्ड ऑफ अ वैक्सीन ट्रायल फिर से आर्ग्यूमेंट है वैक्सीनेशन में क्लिनिकल ट्रायल्स एंड ऑल केयरफुल होना जरूरी है एनर्जी एफिशियंट होना जरूरी है हमें हम एनर्जी कंजर्वेशन करें इसमें ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियंसी फाइव स्टार रेटिंग्स होती है इसकी बी डबल ई रेटिंग्स का स्टार लेबल्स होते हैं प्लस अननेसेसरी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन नहीं करें जितना सेव कर रहे हैं एनर्जी हम उतना ही प्रोड्यूस कर रहे हैं एनर्जी दिस थिंग वी शुड अंडरस्टैंड ऑल आइज ऑन यू कुछ दिन पहले हमने देखा था सीसीटीवी कैमराज जो हो रहे हैं स्टेट इज वॉचिंग यू स्टेट इज वॉचिंग यू आपके सारे मूवमेंट एक्शंस बातें सब देख रहा है ऑल आइज ऑन यू देन एक्सपर्ट्स रोब्ड इन टू ट्रैक लोन ऐप ट्रांजेक्शन मल्टीपल प्लेटफॉर्म केरला ऑन अलर्ट है बर्ड फ्लू के यहाँ पे केसेस आए दो डिस्ट्रिक्ट में इन्फ्लुएंजा टाइप ए दिस इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरसेस ये इसके सब टाइप्स हैं अट्ठारह नून एच ए के सब टाइप्स हो सकते हैं और ये इसके दूसरे सब टाइप्स हैं दिस इज द फर्स्ट वन दिस इज़ द सेकेंड वन इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन भी है अर्ली न्यूज़ है इसमें ज़्यादा ड्वेल नहीं करना है बट वी शुड नो कि बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा टाइप चीज़ें आ रही है ऑल नून सब टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा बर्ड्स को ये इम्पैक्ट कर सकते हैं फिर बर्ड्स मतलब जोनोटिक ह्यूमन में भी आ जाएगा तो ये सब टाइप्स हैं वी नीड टू बी केयरफुल अब जो नेक्स्ट है दैट इज़ अबाउट दिस 90 परसेंट अटेंडेंस हुआ कॉलेज में ऑन री ओपनिंग डे एक्सलेंट थिंग स्टूडेंट्स हैप्पी हैं कि वापस कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं स्ट्रिंजेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं पर अभी बजट सेशन आने वाला है हेल्ड होगा अमिट कब्ज तीन सेशन होते हैं इन तीन सेशन के बीच में दो सेशन के बीच में कितना गैप होना चाहिए बजट सेशन टू बी हेल्ड अमिट कब्ज टेंस मोमेंट एंड दिस इज द थिंग टिल द मेजोरिटी गेट इम्यूनिटी वियरिंग ऑफ मास्क मस्ट कंटिन्यू ये जो बात बोलते हैं ना ये एक्सपर्ट्स हैं दे आर एक्सपर्ट्स फॉर एग्जाम्पल ही इज पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट श्रीनाथ रेड्डी साहब तो इफ ही सींग समिंग उसमें वेटेज है वैक्सीनेशन आ रहा है बट फिर भी मास्क एंड जो सोशल वैक्सीनेशन है उसको ड्रॉप नहीं करना है एडवर्स इवेंट्स must be रिपोर्टेड फोर्ट नाइटली अगर वैक्सीनेशन में आ रहा है नो दिस इज़ अगेन वन थिंग इंडिया का नेव जो फॉरन पॉलिसी है ना बहुत एक्टिव है कुछ टाइम से जयशंकर साहब कॉन्टीन्यूसली देखो अलग अलग स्टेट्स विजिट कर रहे हैं और वहाँ पे पॉलिसी डूइंग सम इंडिया के जो मिनिस्टर्स हैं वो भी गए फॉरेन हमारे चीफ हैं आर्मी चीफ का भी विजिट हुआ बांग्लादेश गए थे नेपाल गए थे अभी जयशंकर साहब श्रीलंका विजिट कर रहे हैं विजिट अज्यूम स्ट्रैटेजिक

फिफ्टी परसेंट इज दैट ये जो न्यूज़ पढ़ रहे हैं ना डायनामिक है जितना ज़्यादा पढ़ोगे आपको उतने ही बेटर आइडियाज आएंगे रिमेंबर दिस थिंग इंडिया टू एम एट रिफॉर्म मल्टीलिटरलिज्म बिकॉज जो फॉरन पॉलिसी होती है ना ये रातों रात चेंज भी होती है बहुत डायनामिक सब्जेक्ट है ये यू अभी कुछ समय पहले हम चाइना के साथ और फिर नेपाल के साथ इतना ज़्यादा ट्रबल हो रहा था अभी देखिए नेपाल के साथ फिर क्लोज टाइज हो रहा है श्रीलंका के साथ तो फॉरेन पॉलिसी इज़ वेरी वेरी डायनामिक सब्जेक्ट दैट इज इस वाई इसमें पे न्यूज पेपर इज द बेस्ट थिंग इस पर एक टैब रखना है का दो साल का टर्म अभी स्टार्ट होगा इंडिया का 2021 हजार इक्कीस रिफॉर्म मल्टीलिटर की हम बात कर रहे हैं ये सारे फ्लैग्स अभी लगे यूएन में इंडिया का आयरलैंड का मैक्सिको केन्या और नॉर्वे का यू अब ये जो फॉरन पॉलिसी में शब्दों की बहुत ताकत होती है वर्ड्स आप कैसी भाषा बोल रहे हो किस लैंग्वेज में बोल रहे हो कैसे एग्जाम्पल्स ले रहे हो हमको क्या सिखाया जाता है कि हमको कोई सब्जेक्ट पढ़ना है ना तो हम उसको जबरदस्ती बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं और उसको कंप्लीटली डिस्टॉर्ट कर देते हैं हम उसमें जो एग्जाम्पल्स यूज़ करते हैं समझने के लिए वो ना तो आप पेपर में लिख सकते हो ना आप आप उसको इंटरव्यू में भी नहीं बोल सकते हो कहीं नहीं बोल सकते हो दैट इज़ वाई जो भाषा है लैंग्वेज है थीम है किसी सब्जेक्ट का वी शुड नॉट डिस्टॉर्ट इट स्पेशली इन आई आर ह्यूमन सेंट्रिक एंड इंक्लूसिव आप कोई ऐसा एग्जाम्पल लोगे जो करेक्ट नहीं होगा आई आर की लैंग्वेज में वो बैक फायर करेगा सो दैट इज बाय वर्ड्स रीडिंग बहुत जरूरी है एंड राइटिंग जरूरी है और जो जैसा है ना उसको वैसे ही करना है अननेसेसरी एंटरटेनमेंट इज नॉट गुड ह्यूमन सेंट्रिक एंड इंक्लूसिव होना चाहिए सोल्यूशन टू इश्यूज ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी अब लुक एट द वर्ड ह्यूमन सेंट्रिक एंड इंक्लूसिव होना चाहिए सोल्यूशन फिर टेक्नोलॉजी विद अ ह्यूमन फेस ये शब्द दिखने चाहिए आंसर में टेक्नोलॉजी विद अ ह्यूमन फेस वर्ल्ड इज वन फैमिली ये हमारी थीम है हम इसके अगेंस्ट नहीं जाते हैं वासुदेव कुटुम्ब कम सो रिफॉर्म मल्टीलिटरलिज्म इज इम्पॉर्टेंट और इस पर यह डेवलपमेंट हो रहे हैं अब हम आगे बढ़ते हैं लिटल बॉक्स बिग हार्ट कॉल मी मे बी एंड द गेमिंग इंटेंसीफाइज एंड एटल्स ऑफ लाइफ लेसन लाइफ लेसन वर्ल्ड विजडम मैप करके यहाँ पर इन्होंने ऐसा कुछ बनाया है काउंटरिंग साइबर बुलिस नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइबर बुलिस ना तो बुली बनना है ना बुली को सहन करना है डोंट बी अ बुली डोंट सफर इन साइलेंस काउंटरिंग साइबर बुलिस साइबर बुलिस में पीपल थिंक वॉट एवर दे आर पोस्टिंग दे कु नॉट बी आइडेंटिफाइड रिमेंबर जो भी पोस्ट हो रहा है ना आप साइबर वर्ल्ड में डाल रहे हो डिजिटल वर्ल्ड में डाल रहे हो हर चीज का एक आई पी एड्रेस होता है आपका मोबाइल नंबर दिख रहा है वहाँ पर और मोबाइल नंबर लिंकड है आपके आधार से सो रिमेंबर दिस थिंग

बट आपको आगे आके हेल्प के लिए बोलना पड़ेगा ट्रम्प प्रेस्ड ऑफिशियल टू ऑल्टर पोल रिजल्ट मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प यूरेनियम एनरिचमेंट ये भी बहुत डेंजरस डेवलपमेंट हो रहा है टैंकर अभी रिवोल्यूशनरी गार्ड आई रिमेंबर आज ही के दिन पिछले साल तीन जनवरी 2020 में आई वॉज रीडिंग दिस जनरल सोलेमानी और खूब सारी बातें की थी यहाँ पे सी यूरेनियम एनरिचमेंट सीजेस टैंकर रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉन्फिस्केटेड साउथ कोरियन वेसल ओवर पॉल्यूशन लेट लेटेस्ट सी यहाँ पे भी काफी डेवलपमेंट हो रहा है ईरान यूएस यूएस में भी बाइडेन आ रहे हैं देन नेक्स्ट इज अबाउट दिस तालिबान एंड जैक मा नो सी दिस इज वाई चाइना इज सो डेंजरस जैक मा ने एक आवाज उठाई स्टेट के अगेंस्ट पार्टी के अगेंस्ट एंड जैक मा इज मिसिंग डाउन और हु इज जैक मा जैक मा इज नॉट एन ऑर्डिनरी सिटीजन ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन दिस चाइना जैक मा मिसिंग अमिट चाइनाम डाउन ऑन इज बिजनेस एबसेंस ए पब्लिक व्यू सिंस अक्टूबर गायब है पता ही नहीं चल रहा है दिस इज द थिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्टिविटीज स्ट्रेंदन हुआ दिसंबर में फिर नया डेटा आ गया है ये भी हमने पिछले दो तो तीन महीने से कॉन्टीन्यूसली देखा है एवोलोकेट नोट्स आई एच एस मार्केट डेटा निकालती है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का अगर ये फिफ्टी प्लस है मतलब एक्सपैंड है फिफ्टी से कम हो रहा है मतलब श्रिंक हो रहा है तो फिफ्टी सिक्स पॉइंट फोर दिसंबर में आया विच इज़ हायर देन नवंबर फिफ्टी सिक्स पॉइंट थ्री श्रिंकिंग जॉब मार्केट फेसलेस टैक्स स्कीम डिलीवर ट्वेंटी फोर थाउजेंड फाइनल ऑर्डर फेसलेस टैक्सेशन कॉम्प्यूटिंग एक्जिम बैंक ने इतना यूएस बॉन्ड में पैसे उठाए दस लाख टन शुगर हम एक्सपोर्ट करेंगे और ये कोविड नाइन्टीन एंड स्पोर्ट्स ओके सो दिस इज़ द हिंदू ये क्या है डेजर्ट फॉक्स अब बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस का भारत बायोटेक के चीफ ने कहा है अश्योरेंस दिया है दिस इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल और काफ़ी पुरानी कंपनी है अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है वैक्सीनेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है एन आई वी टू सेट वैक्सीनेशन देन दिस इज द सिटी न्यूज़ विद फ्री एंट्री ऑन वीकेंड म्यूजियम में अगेन टूरिस्ट को बुलाने के लिए ये इवेंट्स और प्रोविजन है म्यूजियम होप टू अट्रैक्ट पैट्रॉन कॉन्फिस्केशन माइग्रेटरी बर्ड फाउंड डेड इन हिमाचल थ्रेट आ रहा है एवियन फ्लू का ट्वेंटी ट्वेंटी एथ वॉर्मेस्ट ईयर रिकॉर्डेड बाई रिकॉर्डेड बाय इंडिया इन वन ट्वेंटी वन ईयर आई एम डी ने कहा है ग्लोबल टेम्परेचर दिस इज रियालिटी एम पी लेट डाउन गेम ऑन है देयर ओन बबल क्रिकेटर्स कॉम्युनिकेटिंग द वैक्सन कॉम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट वाइडर कैनवास फॉर इंडिया इन यूएस देन इंडिया यूएस का इंडिया का यू एन एस सी सिक्योरिटी राजा मंडाला साहब का आर्टिकल है गुड आर्टिकल हैवर रीड दहली और यू एन एस सी में अभी हमारे क्या बिकॉज हमारा टर्म स्टार्ट हो रहा है दो साल का स्टेंट हमें क्या देखना चाहिए हमें देखना चाहिए मल्टीलिटरलिज्म वर्ड और जो इंडिया के इंटरेस्ट हैं उसको हम करें वॉट फॉर्मिंग डजेंट नीड अबाउट वुमेन वर्कस एंड वेजेस सी कॉम्यूनिटी एक्शन वेलबिंग एंड कैन फाइट मॉल न्यूट्रिशन नेक्स्ट फॉर वैक्सीनेशन रोल आउट अमिट कंसर्नस ओवर एलर्जी दिस इज नेमिंग यूके जज ने एक्सट्राडिशन रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया ईरान एनरिच कर रहा है यूरेनियम 20 परसेंट जबकि तीन चार पाँच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग पी का फिफ्थ स्ट्रेट मंथ में सीधा ग्राफ बढ़ता जा रहा है दिस इज 56.4 मैन्युफैक्चरिंग सर्विस का भी बढ़ा है लॉकडाउन के बाद ऐसे डिप आया था पीएमआई परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स मैन्युफैक्चरिंग का और सर्विसेज का पीएमआई आईएचएस मार्केट न्यू सप्लाई ऑफ ऑफिस स्पेस कम है वर्क फ्रॉम होम बढ़ेगा एब्सेंट है जैकमा अब हम देखते हैं नोलन समिति नूलन समिति इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं इनके पास बहुत पावर होता है डिस्क्रिशन होता है इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो इम्पॉर्टेंट एथिकल बिहेवियर कंडक्ट करें सार्वजनिक जीवन के सात सिद्धांत नूलन समिति के हैं दिस इज इम्पॉर्टेंट इन एथिक्स निःस्वार्थता सार्वजनिक अधिकारी नौकरशाहों को लोकहित के संदर्भ में निर्णय लेना चाहिए उन्हें अपने व अपने परिवार अपने दोस्तों के लिए वित्तीय अन्य भौतिक लाभ हेतु निर्णय नहीं लेना चाहिए सो पब्लिक गुड हैज़ टू बी देयर नॉट सेल्फ इंटरेस्ट सत्य निष्ठा होनी चाहिए कर्तव्य प्रभावित नहीं हो आप अपनी ड्यूटी डिलीवर करें वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए कामकाज नियुक्ति में अनुबंध पुरस्कार में अकॉर्डिंग टू रूल्स काम चलता है रूल्स नियम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जीआर इसको फॉलो करना है जवाबदेही होनी चाहिए जांच समीक्षा के अधीन रखना चाहिए वो जवाबदेह हैं जो भी काम हो रहा है ट्रांसपेरेंसी इज इंपॉर्टेंट ओपननेस जो चीज़ है वो ओपनली करना चाहिए दैट इज़ गुड इससे क्या कॉन्फिडेंस आता है ऑनेस्टी इज इंपॉर्टेंट और लीडरशिप भी होना चाहिए यहाँ पे इसका एक मिसाल दें तो ये हैं सात सिद्धांत निस्वार्थता सत्यनिष्ठा वस्तुनिष्ठता दिस इज जवाबदेही खुलापन ईमानदारी और नेतृत्व दिस इज नूलन समिति के रिकमेंडेशन सार्वजनिक जीवन के साथ सिद्धांत अब ये कुछ हेडलाइंस हैं दीज आर मिस्टर जयशंकर विजिट एवियन फ्लू गिग इकोनॉमी हाउस वर्क मैग्जिम गवर्नर ब्लैक एंड ग्रे पैंगोल स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं और दिस इज लेक्स ओके सो दिस इज फिफ्थ ऑफ जनवरी टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ